So yesterday we had started with the revision of chapter one. तो हमने central problems of economy तक हम आ गए थे. So we will be discussing the central problems of economy. As I told you yesterday, बेटे तीन तरह की problems होती हैं. One, allocation of resources. Another, full employment of resources. And third one is growth of resources. But we are concerned with the problem of allocation of resources. So allocation of resources की जो problem है, it gives rise to three decisions to be made or three problems of an economy. First is what and how much to produce. See, with limited resources, we cannot produce all the commodities. Produce कर सकते हैं, हमारे पास resources limited है, ये land है हमारे पास, available land इतना है, क्या हम चाहें तो इसके ऊपर agriculture भी कर लें, industry भी कर लें, school भी खोल लें, hospital भी खोल लें, घर भी बना लें, is it possible? It is not possible. So what will we have to do? We will have to make a choice. What to produce, what not to produce. ठीक है? So क्योंकि limited resources से हम सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और अगर हम एक कमोडिटी की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, रिसोर्सेज बीइंग लिमिटेड इन सप्लाई. ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम बेसिकली इज टू फोल्ड प्रॉब्लम है. एक, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, एंड सेकेंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज प्रोड्यूस करें और उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें. ठीक है, सो डिसीजन हैज टू बी मेड बिटवीन हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. ऑलवेज रिमेंबर बेटे, ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलना कैपिटल गुड्स का, ये थ्रू आउट आपके चलेगा आगे. ठीक है, प्लस टू भी की इकोनॉमिक्स भी इसके ऊपर ही बेस्ड है. यू शुड नो व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग योर वांट्स डायरेक्टली, जो कि हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनसे उनकी वॉन्ट सेटिस्फाई होती है. राइट नाउ यू आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज ऑफ फैन, यू आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज ऑफ बेंच ऑफ ए टीचर, I am using the services of blackboard, laptop. ठीक है, all these have the capability to satisfy my wants directly. So these are consumer goods. On the other hand, there are capital goods. These are the goods which are used by the producers for further production. Right? ये consumer नहीं consume करते, कौन consume करते हैं? Producers करते हैं. प्रोड्यूसर इनका क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर की वांट को सेटिस्फाई नहीं करते. मेरा एक बिजनेस है, मैं एक मशीनरी लेके आई, या मैं एक टैक्सी ऑपरेटर हूं, मैंने एक कार खरीदी एज ए टैक्सी उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो कार या वो मशीन मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रही. मैं उसको किस लिए यूज करूंगी? फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेस. ठीक है, तो ऐसे गुड्स को कहा जाता है कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीनरी, फार्मर के लिए ट्रैक्टर, प्रोड्यूसर के लिए बिल्डिंग मशीनरी, बैंक वालों के लिए कंप्यूटर्स, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स. ठीक है, सो दीज हैव द कैपेबिलिटी टू फर्दर प्रोड्यूस द गुड्स. तो यू हैव टू मेक अ चॉइस, द इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है ना, तो इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ेगी कौन से कंज्यूमर गुड्स और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कितने कैपिटल गुड्स और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाए. ठीक है, देन द डिसीजन हैज टू बी मेड बिटवीन नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है. ठीक है, तो चॉइस हैज टू बी मेड बाय द इकोनॉमी के कितने नेसेसिटीज, कितने कंफर्ट्स और कितनी लग्जरीज की प्रोडक्शन की जाए. Similarly, choice has to be made between peacetime goods and wartime goods. सारे गुड्स जो हम आजकल
कंज्यूम कर रहे हैं वो पीस टाइम गुड्स हैं। वॉर टाइम गुड्स वो होंगे जो कि ड्यूरिंग वॉर टैंक्स आर्म्स एम्यूनिशन डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज होंगे। क्लियर? सो चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन देम। सो व्हाइल मेकिंग द चॉइस व्हाइल एलोकेटिंग द रिसोर्सेज अमंगस्ट डिफरेंट गुड्स व्हाट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, किस तरह से एलोकेशन करें, हमें इस तरह से एलोकेशन करनी पड़ेगी दैट दिस एलोकेशन लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ एग्रीगेट यूटिलिटी। जो एग्रीगेट यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, सो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट इज अवर सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली रिलेट्स टू what problem, it is related to the choice of technique of production. See, goods can be produced making use of different techniques. We classify those techniques into two categories, labor intensive technique, capital. What are labor intensive technique? More of labor and less of capital is used per unit of output. कैपिटल में मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर इज यूज्ड। ठीक है, सो चॉइस हैज टू बी मेड, उस चॉइस को कैसे करना है, क्योंकि दोनों की अपनी मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं। लेबर इंटेंसिव जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, मेरिट है, डीमेरिट लेस प्रोडक्शन, गुड्स की प्रोडक्शन कम होती है, कॉस्टली होती है। कैपिटल इंटेंसिव मोर प्रोडक्शन, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लेकिन डीमेरिट अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जब आप मशीन लेबर को मशीन से रिप्लेस कर दोगे तो लेबर तो आउट ऑफ जॉब हो जाएगी, है ना। तो बोथ हैव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो व्हाइल डिसाइडिंग दी और व्हाइल चूजिंग दी एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यू हैव टू कीप इन माइंड सर्टन फैक्टर्स के ये जो इकोनॉमी है लेबर सरप्लस है या कैपिटल सरप्लस है। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, लेबर सरप्लस या कैपिटल सरप्लस, तो कौन सी टेक्निक यूज होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट शुड एम एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मास्क पहनो आप लास्ट पूरा एंड जपिश। ठीक है, तो यूएस जैसी कंट्री कैपिटल सरप्लस है तो उसमें कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो ओवरऑल फैक्टर जो हमें माइंड में रखना है वो ये रखना है कि वो टेक्निक चूज करो विच गिव्स राइज टू मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेस। मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेस, क्लियर है। थर्ड चॉइस कौन सी, थर्ड प्रॉब्लम कौन सी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। For whom to produce basically relates with the problem of distribution. ठीक है, it relates to, see कैसे relate करती distribution से। For whom to produce मतलब कौन से segment के लिए produce करें, rich के लिए करें, poor के लिए करें, किसके लिए produce करेंगे, जिसके पास affordability है, जो हमारे goods को खरीद रहे हैं, हमें profit दे रहे हैं, वो कौन होगा, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं। तो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही आ गई ना बात। यस, सो फॉर होम टू प्रोड्यूस बेसिकली रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू एस्पेक्ट्स टू इट। हम डिस्ट्रीब्यूशन को दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, वन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, एंड अनदर इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ऐसे स्टडी करती हूँ कि भी आपके पास कितनी इनकम है, आपके पास कितनी, मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया और मैंने बोला अच्छा जिनकी इनकम 100 से ज्यादा है वो इधर बैठ जाओ, जिनकी 100 से कम है वो इधर बैठ जाओ। ठीक है, फिर मैंने देखा 100 से ज्यादा कितने लोगों के पास है या 100 से कम कितने लोगों के पास है। हेयर आई एम स्टडिंग वेदर द इनकम इनइक्वालिटीज आर प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और नॉट। क्या हमारी इकोनॉमी में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है
या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यही देखा ना कि रिच एक साइड पे हो जाए, पुअर एक साइड पे हो जाए, एंड आई फाउंड कि रिच आर ओनली दीज थ्री, रेस्ट आर पुअर। सो विच मीन्स देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। टोटल इनकम इस इकोनॉमी की 200 रुपए है, जिसमें से 150 रुपीज ये तीनों संभाल के बैठे हैं और आप सबके पास सिर्फ 50 रुपीज है। व्हाट डज इट शो? प्रेजेंस ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। सो द स्टडी ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज प्रेजेंट अमंग इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस परफॉर्म्ड। समझ आया? व्हाट फंक्शन आर यू परफॉर्मिंग? फॉर प्रोडक्शन वी नीड व्हाट? Four factors of production, which are land, labor, capital and entrepreneur. So landlord अपना land देता है, labor अपनी services देता है, capitalist money देता है, entrepreneur risk bear करता है। ये चारों कहते हैं हमने ये function perform किया है, हमें इसके बदले reward चाहिए, देना पड़ेगा। So how much you should give to landlord in the form of rent, how much should be distributed to the labor in the form of wages, how much to the capitalist in the form of interest, and how much to entrepreneur in the form of profit. So basically ye functional distribution hai ke kitna landlord ko rent dena hai, कितना देना चाहिए आपके हिसाब से। 100 करोड़ की प्रोडक्शन हुई, 25-25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी चाहिए, नहीं? क्या करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? आपकी क्लास ने मिलके 100 चार्ट बनाए, हमने एग्जीबिशन लगाई, 100 के 100 चार्ट बेच दिए, ठीक है, 50 बच्चे आपकी क्लास में, तो मेरे पास जितनी इनकम आई क्या मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं सब में? जिसने जितना काम किया उसको उतना मिलना चाहिए, ठीक है? तो अगर इसने 4 चार्ट बनाए, इसको 4 की वैल्यू मिलनी चाहिए, इसने जितनी कंट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन में वो इसकी क्या है? प्रोडक्टिविटी। क्या है? सो विच मीन्स how the factor of production should be rewarded according to the productivity, according to his marginal productivity or according to his contribution. Okay, so this aspect is called as functional distribution. Is it clear? So tino problems clear ho gayi, central problems, theek hai, all right. So last topic, opportunity cost. What is opportunity cost? Cost of next best alternative sacrificed. See, all of us has many options, many choices. We take only one option. हमारे पास 4 रास्ते हैं, हम एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो जो हमने रास्ता चूज किया, टोटल 4 रास्ते थे, हमने एक सिलेक्ट कर लिया, तो हमने एक सिलेक्ट करने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए? 3। तो इन तीनों की रैंकिंग करो। नेक्स्ट, अगर आप इधर नहीं जाते तो नेक्स्ट बेस्ट रास्ता कौन सा था? ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको कितनी रिटर्न देता, वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के लिए बाकी ऑप्शंस सेक्रीफाइस किए। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद ऑल द ऑप्शंस, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द नेक्स्ट बेस्ट
ऑल्टरनेटिव विच यू हैव सेक्रीफाइस्ड। आप कॉमर्स में आए, आपने कौन कौन से ऑप्शन सेक्रीफाइस किए? नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, ठीक है। लेट अस से कॉमर्स करके आपने सीए करके 1 लाख की सैलरी आपको मिल रही है। अगर आप नॉन मेडिकल करते आपको 80,000 की सैलरी मिलती। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते तो लेट अस से आपको 1,20,000 रुपए मिलते, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज करके आईएएस ऑफिसर बन जाते तो आपको 1 लाख रुपीज मिलते। बट यू हैव चूजन टू बी अ सीए विच विल गिव यू रिटर्न ऑफ 1 लाख। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग सीए? 1,20,000। मैंने जान के 1,20,000 लिया। टू प्रूव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी इक्वल टू, कैन बी ग्रेटर देन और कैन बी लेस देन द प्रेजेंट यूज। क्योंकि आपने एक अपनी तरफ से बेस्ट सिलेक्ट किया, लेकिन जरूरी नहीं है जो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया वो हमेशा कम ही पैसे दे। और भी फैक्टर्स होंगे ना आपके, और भी फैक्टर्स थे। आप इसकी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते थे मेडिकल की, इसीलिए आपने ये सिलेक्ट नहीं किया। बट इट वुड गिव यू रिटर्न ऑफ 1,20,000। लेट अस से दिस इज 90,000, दिस वुड गिव यू 90,000 अगर आप डॉक्टर बनते। नाउ व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 1 लाख कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। क्लियर? इसी तरह फार्मर अपने जो है खेतों के ऊपर वीट भी ग्रो कर सकता है, शुगर केन भी ग्रो कर सकता है। सपोजिंग उसने सोचा कि वो वीट ग्रो करता है, अगर वो वीट ग्रो करता है सपोज करो 10,000 की, उसके लिए उसको शुगर केन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 9,000 का। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट? 9,000 ऑफ शुगर केन, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। पीपीसी वगैरह हमारा डिलीट हो गया हुआ है। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस assertion reasoning के मैं questions कर रही हूँ, ठीक है। MCQs इसके हम already discuss कर चुके हैं। Be attentive all of you. Assertion reasoning में बेटे 4 options होते हैं, 2 statements होती हैं। पहली assertion, assertion का meaning एक statement, fact, ठीक है। वो statement true भी हो सकती है, false भी हो सकती है। Second जो है वो reason है। अगर वो रीजन वाली स्टेटमेंट assertion को जस्टिफाई करती है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट का कारण सेकंड स्टेटमेंट है, गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप assertion और रीजनिंग में बिकॉज डाल दो और वो एक फैक्ट बन जाए, इट क्लिक्स यू, देन फर्स्ट ऑप्शन। 4 options क्या है? पहला, A is true, R is true, R is the correct explanation of A. Second option, A is true, R is also true, but R is not the correct option of A. C option, A true, R false. D option, A false, R true. ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या ये दोनों ट्रू हैं कि नहीं, फिर देखना है ए और बी में से क्या आना है। अगर ट्रू है तो फिर ए और बी में से, अगर इनमें से कोई एक इनकोरेक्ट है तो सी और डी में से, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, assertion, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस। यहां तक ठीक है ये? आगे देखो, चॉइस ऑफ द मैनर इन विच द लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस आर डिस्पोज्ड ऑफ। कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस किससे रिलेटेड? कि जो हमारे रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ, यानी कि स्पेंड करना है। बिल्कुल करेक्ट है, ए इज ट्रू, मतलब ए या बी में से कुछ करेक्ट होगा। अब रीजन देखो क्या देता है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज
relative to human wants gives rise to struggle of human beings for sustenance. कहता है जो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है यानी ह्यूमन वांट्स ज्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है, इससे ह्यूमन बीइंग्स को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए. सस्टेनेंस मींस सर्वाइवल. एन इंडिविजुअल हैज टू मेक अ चॉइस एज टू विच वांट्स शुड बी सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ये भी ट्रू है और ये एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ये जो चॉइस है दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो ए ऑप्शन ए इज करेक्ट. आर इज करेक्ट. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकंड, अच्छा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड है सो ये नहीं आएगा. ओके, देन देयर इज वन केस स्टडी बट अ बिट टेक्निकल. आप ध्यान से पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. अ शार्प जंप इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैज वेड ऑन गोल्ड प्राइसेस. अ बिट टेक्निकल फॉर यू पीपल, आई विल एक्सप्लेन. अ शार्प जंप इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स. यूएस के जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड, यील्ड मतलब रिटर्न. अगर आप एक बॉन्ड लेते हो जो कि $10,000 का है, वो आपको 4% इंटरेस्ट देता था, अब ये 5% रिटर्न दे रहा है. अ शार्प जंप इन यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैज वेड ऑन गोल्ड प्राइसेस. इट हैज वेड. वेड कौन सा वर्ड है? ये गोल्ड प्राइसेस मतलब इंग्लिश है सिंपल. क्या मतलब बना बताओ, इंटरप्रिटेशन बताओ. बड़े जा रहे हैं. इट हैज वेड ऑन, भारी पड़ गया उसके ऊपर. गोल्ड प्राइसेस कम हो गए हैं. लॉजिक देखो, गोल्ड 10,000 का है, वो एप्रिशिएट होगा, आपको रिटर्न देगा लेट अस से 1% या 2% या 4% रिटर्न देता है. जब उसका प्राइस बढ़ता है 4% रिटर्न दे रहा है. 100 रुपए का गोल्ड लोगे, $100 का 104 का हो जाएगा. कितना रिटर्न दिया? 4. ये बॉन्ड कितनी रिटर्न अब दे रहा है? तो आप क्या खरीदोगे? आपके पास मनी तो लिमिटेड है, दोनों में से कहां इन्वेस्ट करोगे? बॉन्ड में के गोल्ड में? बेटे मैं आपको ये दो चॉइस दे रही हूं, यहां 5% मिल रहा है, यहां 4%, कौन सा उठाओगे फिर? तो इसकी डिमांड तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे. जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है, इकोनॉमिक्स का रूल है. अभी तो लॉ ऑफ डिमांड पड़ा है ना. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हाउ प्राइस इन्फ्लुएंसेस डिमांड. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. अब हम कर रहे हैं डिमांड कैसे प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है. तो किसी भी कमोडिटी की जब डिमांड इंक्रीज होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है. डिमांड कम होती है, कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं कि कम होते हैं? You have answered yourself. डिमांड कम हुई तो प्राइसेस कम हो, तो गोल्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. आगे सुनो. हायर बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स क्लासेस लाइक गोल्ड. इसके करके क्या हुआ? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ऑफ होल्डिंग नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट क्लास लाइक गोल्ड बढ़ जाएगी. ये जो गोल्ड है ये हमें इंटरेस्ट नहीं देता.
गोल्ड क्या है? नॉन इंटरेस्ट एसेट है। ये हमें कैसे रिटर्न देता है? इसके प्राइसेस बढ़ते हैं, एप्रिशिएट होती है इसकी वैल्यू, तो वो जो डिफरेंस है वो हमें रिटर्न देता है। वेयर एज जो बॉन्ड्स हैं वो हमें डायरेक्ट रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो जब बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई तो कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस सफर्ड स्टीप लॉसेस ऑन फ्राइडे, न्यूज आर्टिकल है ये, इसके प्राइसेस बहुत गिर गए, ट्रैकिंग अ शार्प डिक्लाइन इन ग्लोबल रेट्स। क्यों कम हुए? क्योंकि ग्लोबल रेट्स में भी कमी आई गोल्ड और सिल्वर के। ऑन एमसीएक्स, अब एमसीएक्स एक बेटे कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है जहां पे कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड फ्यूचर्स स्लम्प्ड 4% वाइल सिल्वर फ्यूचर्स टैंक्ड 8.8%। इन ग्लोबल मार्केट्स स्पॉट गोल्ड रेट ड्रॉप्ड नियरली 4%। डेमोक्रेट कंट्रोल ऑफ द यूएस सेनेट has raised the prospects of large stimulus measures, lifting the benchmark 10-year bond yield to highest level since March. आपको actually technical हो गया आपके लिए, चलो कोई बात नहीं, simple question, simple है। Higher bond yields dash the opportunity cost of holding non-interest yielding assets like gold, increase or decrease? ऊपर लिखा हुआ है बेटे increase, तो वहां से देख के लिखना है, कॉम्प्रीहेंशन की तरह ही है। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस सफर्ड लॉस बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द वर्ल्ड मार्केट, एक्सेस सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, शार्प इंक्रीज इन यूएस बॉन्ड, नन ऑफ दीज, शार्प इंक्रीज इन गोल्ड बॉन्ड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डैश इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। डेफिनेशन ही पूछिए। Opportunity cost is defined as the value of dash in its next best alternative use. Factor bete. Opportunity of factor in its next best alternative use. That's it. ठीक है? So that's all for today. आप इसके एमसीक्यूज बुक में से और जितनी बुक्स या नेट में से कर लेना रिवीजन, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।